ट्राइंगल ए बी सी विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड, एक आदमी है जो कि ए बी सी ट्राइंगल पे मूव करता है कॉन्स्टेंट स्पीड, देन द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी. अच्छा, ए टू सी में हमें बताना है, तो ए टू सी में पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस कितना चला है. हम सारी साइड्स को एक्स मान लेते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला. डिस्टेंस चला है ए टू सी में 2x, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एक्स. अब टाइम की बात आती है कि टाइम कितना लगा है. टाइम के लिए क्या करेंगे हम. अच्छा, जितने समय में वो ए बी सी चला होगा उतने ही समय में उसका ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा. ऐसे समझो कि एक पार्टिकल है और ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है. ये यहाँ से यहाँ तक जो ये नीली लाइन बनी है ये डिस्प्लेसमेंट है. अब जब तुम सुबह 10 बजे निकले थे यहाँ से और दिन में 12 बजे यहाँ पहुँच गए, है ना, 2 घंटे में तुमने रेड वाला पाथ कवर किया और उन्हीं 2 घंटों में ये नीली लाइन भी बनी होगी. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सेम समय लगा. तो मैं कहता हूँ इसको भी लगा t समय और इसको भी लगा t समय. तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 2x अपॉन टाइम. और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है x अपॉन टाइम. तो इट विल बी 2, द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू एवरेज